खबरदार किसी ने मेरे को मोटी कहा तो, और खबरदार किसी ने अगर आंटी कहा तो, आज्ञाकारी गृहिणी पति व्रता पत्नी होना। मारी माता ने जेड सिक्योरिटी लगा रखी है, ये जेड सिक्योरिटी के ताले खुलते। हेलो गाइस, जय सियाराम। हेलो गाइस वाला तो इसका चेहरा है। जय सियाराम जी, आज हम जा रहे हैं किसी फंक्शन में, जागरण में जा रहे हैं। बर्थडे पार्टी। अच्छा, बर्थडे पार्टी है प्लस जागरण। नन्ना ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ इसीलिए कि आज हम शाम को सिस्टम पूरा करेंगे। और किसी ने अगर पनीर के अलावा कुछ खाया वहाँ पे, मैंने टांगे तोड़ देनी है। दाल की तरफ कोई नहीं देखेगा। सच ही है कि यही जो मैंने पिछले वाली लाइनें रिपीट करी है वो सारी सच है। यार वो व्लॉग देखेंगे तो क्या कहेंगे, माना भूखे हैं। इतने थोड़ी है, माना मैं पाठक बन के भूखी हो गई हूँ। पहले तो बहुत ज्यादा थी, अब तो कम है। फिर भी अपनी बारी सब ठीक है, मारी बारी कम है। कुछ नहीं, इसके छाले थे तो इसलिए आज डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसको मॉर्निंग से इवनिंग तक डाइट पे रखो, नाइट में खिला लेना थोड़ा सा, तो इसलिए फिर ये सवेर से। हाँ, देख देख के प्रोग्राम रज लेगी ना। चलो फिलहाल हम रेडी हैं पहली बार टाइम पे। पहली बार हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है। हाँ, हमने पीछे जाती हूँ फिर कलर। देखो 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 देखो, और खबरदार किसी ने मेरे को मोटी कहा तो, और खबरदार किसी ने अगर आंटी कहा तो। कल एक लड़के ने हम आंटी बोल दिया था इसको, झूठ बोल रहे हैं स्कूटी पे। वो बोल के आंटी आपका सामान गिर गया। नहीं अभी आप कसम, कई दिन हो गए पर इस बात को लेकर बोल रहा नहीं, उसने आवाज मारी मोटी। वो ठीक लग रही है तू। चलो तो कोई मेरे को मोटी नहीं कहेगा। हाँ, बाकी कुछ भी तो मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह। बोल ले, अभी तो ठीक बोल रही थी। अरे रे रे वाले वर्ड नहीं बोले जाते। अच्छा, रे अड़ता है के? हाँ, वो जिसमें जी भरती है। तेवी में भी प्रेम कहावी है, दो लफ्जों में है। ऊपर नीचे टंग जाती है ना, वहां दुखे। तेवी में भी प्रेम कहावी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान हो पाए। चलो घर पहुंच के, उनके घर पहुंच के आपसे बात करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं पहुंचे, अभी तो राह में है। हमेशा हम ढीले रहते हैं, मतलब हम लोग लेट पहुंचते हैं हर बार, ऐसा होता है। और अब की बार महापाल लेट है। हम दो बार घर से हुए हैं, दोनों बार यूं का है, हम घर से निकल चुके हैं, बस आने वाले हैं, फिर एंट्री कर आ गए हैं मम्मी पापा। लोग पेंटिंग है ना, अब तो आज तो बना रही हूँ पेंटिंग। तो शुरू कर रहे हैं वो वाला कौन सा, सिक्स मंथ वाला, वो भी डाल दूंगी, इससे पहले डालूंगी, यही रह जाता है। तो यहाँ हम वेन्यू पे पहुँच गए थे एंड यहाँ था बर्थडे पार्टी का प्रोग्राम। मेरे माइक के साइड का प्रोग्राम था। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मेरे पापा के भतीजी के पोते का बर्थडे था। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर हाँ रिलेटिव्स हैं, एक ही शहर में रहते हैं और काफ़ी अच्छी बनी हुई है। हमारा अच्छा आना जाना है, तो हम यहाँ गए थे एंड काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कर रखा था। एंड मुझे कुछ लोग वैसे मेरे रिलेटिव्स थे तब मिले, एंड कुछ लोग मुझे यूट्यूब से जानने लग गए हैं तब मिले। मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई कि लोग वहाँ ड्रीमी सान्या को जान रहे थे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, आप लोगों का लव और सपोर्ट ही है कि आज मुझे ये वाले इतने अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। करगी पूरे
इस पे लिख देना, हमारा काला है। अब आप बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हम गए जागरण के लिए जहाँ दरबार लगा था वहाँ माथा टेकने, और दरबार इतना सुंदर था, इतना सुंदर, मतलब टच वुड, मुझे तो इतना ज़्यादा सुंदर लगा। माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी झूले पे बैठी हुई, एंड इस मोमेंट में बैठे थे कि जैसे अभी उठेंगी। मुझे सच्ची बड़ा ही प्यारा दरबार लगा, बहुत ज़्यादा। मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ी रही थी, बहुत सुंदर प्यारा बड़ा ही सुंदर दरबार था। और अभी जागरण नहीं शुरू हुआ था एंड हमें अगले दिन अपनी अपनी ड्यूटीज जाना था, सो हम दरबार पे ही माथा टेक के फिर वापस आ गए थे। थैंक यू। ये तो बनता ही है, गिफ्ट तो है, ये तो गिफ्ट है, बनता ही है, रिटर्न गिफ्ट। थैंक यू। चलो बैक टू होम। मेरे जूते दे देना। गेस्ट कह रहे हैं ट्रेन की सामने आई हुई है। ऐसे कह रहे हैं, गेस्ट ऐसे कह रहे हैं, हमारे जूते दे देना। इनके तो जूते दे दो। अच्छा हेलो, कुछ कह रहे हैं आप? बाय बाय ड्रीमी सान्या को, बाय करी पर मेरे जूते दे दे। ड्रीमी सान्या बैक टू होम। हो गए बच, बैक टू होम बच कर रहा, दो गली बच रही हैं। बैक टू होम। हमारी माता ने जेड सिक्योरिटी लगा रखी है। ये चैट सिक्योरिटी के ताले खुलते 10। ओके ब्लॉग खत्म। भगवान ने दिया छोरी तो ज्यादा दिमाग। इन्होंने बोला ब्लॉग खत्म करता है ना, कर दिया। आज्ञाकारी गृहिणी पति व्रता पत्नी होना चूक गया क्या? चुग गए, चुग तो नहीं आई मुझे, मुझे मास सेट होया है, चुग आ गया, लोटी रहेगी काम खाई। तो हम आ गए हैं घर भाई, और फंक्शन पे बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ। क्योंकि वहाँ पे ड्रीमी सान्या के फैन आए हुए थे। फैन नहीं मतलब, बस वो तो मुझे जानते थे ना, तो मुझे अच्छा लगा। और हाँ मन्नत
स्पेशल थैंक्स टू हर. हम मार्केट में एक जगह रुके थे मेरे छालों की दवाई लेने के लिए, पान लेने. तो स्कूटी पे आई एक लड़की, उन्होंने हाय बोला. हाय. सो उन्होंने बताया कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर आप लोग मुझे कहीं भी देखते हैं तो आप लोग रोक के मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो थैंक यू. आई लव यू मन्नत. एंड सारे गेस्ट्स का भी थैंक यू जो अब मुझे पहचानने लग गए हैं. बहुत अच्छा लगा. हाय. मैंने डीजे वाले को कहा गाना चला दो, कह रहे कौन सा. मैं कहा हाय. उन्होंने नहीं चिल्लाया, उन्होंने इसको यूं कहा, दीदी आप खुद से आए हो कि बिना बुलाए आए हो. नहीं, फिर वो ऐसे कहते आयो जय केड़ी हाय पई हुई है तो.